हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड मैं इंट्रो बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, उसके पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सो विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेस्टिंग टाइम, चलो इसको ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जाके इंस्टाग्राम में गिवअवे में पार्टिसिपेट करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस सपोर्ट जेन्युइनली, ताकि आप लोग गिवअवे विन कर सको। एंड ये गिवअवे दो विनर्स रखेंगे एंड इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे गिवअवेज आने वाले हैं। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग को आज के ब्लॉग पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है वो भी क्लिक कर देना। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो ये देखो सब सफाई हो रहा है, मतलब सफाई नहीं, सब्जी धो धो के मम्मी यहाँ पे रख रही है। अरे आ गया बदमाशी करने। चिल्लाना ही पड़ता है। अभी तो बहुत सब्जी है नाना। यही करता है वो। तो अभी मैं देख रही हूँ बैरिस्टर बाबू। अभी कल से ही सीरियल स्टार्ट हुआ है, मतलब मैं इसी टाइम में फ्री होती हूँ तो अभी मैं देख रही हूँ। मैंने सब मदद कर दिया। हाँ बहुत अच्छे की। सो इतने अच्छे सीरियल है, इक्वलिटी का बात करता है, लाइक पहले के जनरेशन में जो होता था वो सब के बारे में है। सो मैं पहले देख लूँ फिर उसके बाद आप लोगों का स्टोरी शेयर करती हूँ। आज भी ऐसा होता है, बट या वी गर्ल्स वी वुमेन शुड बी इक्वली ट्रीटेड एज मेन, तो वही इस सीरियल में है, इक्वलिटी का बात करता है। आई रियली लाइक दैट। कहाँ जा रहे हो? जाओ नहाने जाओ, अब सीरियल स्टार्ट होगा उसके बाद आप लोग को बताते हैं ये सीरियल है क्या। ओके सो अभी मैं बाहर से आई हूँ। मम्मी ने बोला था कि गोटा धनिया लेके आओ, तो मैं उसको, आज धनतेरस है सो वो बोएगी, सो उससे धनिया का पेड़ उगेगा शायद। आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो हाँ, बेसिकली द सीरियल इज अबाउट इक्वलिटी, इक्वलिटी बिटवीन हुम, वीमेन एंड मेन। लाइक पहले के जनरेशन में होता था कि वीमेन लोगों को इक्वल राइट नहीं दिया जाता, कोई राइट ही नहीं दिया जाता था कुछ बोलने का, कुछ करने का, नथिंग। द पेरेंट्स पर ऑल्सो, मतलब पेरेंट्स भी फोर्स करते थे लड़कियों को कि गेट मैरिड सून, डू दिस एंड दैट। आई नो, आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो उसी इक्वलिटी के बारे में सीरियल में बोला गया है, लाइक मैन कैन स्पीक, मैन कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, बट ऑन द अदर हैंड वुमेन नहीं कर सकती है। सो पहले लॉज नहीं थे, अभी बहुत लॉज आ गए हैं। सो द सीरियल इज़ बेस्ड अपॉन दैट एंड वो लड़की 8 साल की है एंड शी इज़ रियली वेरी, मतलब क्या बोले, इसका इतना अच्छा एक्टिंग है, शी इज़ रियली वेरी एक्टिव एंड आई रियली लव द सीरियल। लाइक मैं उतनी सीरियल एडिक्ट, टी वी एडिक्टेड नहीं हूँ, बट इतना अच्छा सीरियल है, लाइक आई एम सो हैप्पी कि कुछ तो अच्छा दिखा रहा है। लाइक अभी हो गया है बट स्टिल बहुत जगह ऐसा अभी भी होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चे लोगों को कि डू दिस डू दैट, बच्चे लोगों को इन द सेंस लड़कियों को। सो या बंद करो, इट्स हाई टाइम अभी इक्वलिटी करना, मतलब लड़कियां लड़कों से बहुत आगे है। सो अभी इट्स हाई टाइम वी हैव टू स्टॉप दिस। सबको ही, सब कुछ अपने घर से ही स्टार्ट होता है। सो या आई, मतलब क्या बताए, सो द सीरियल इज अबाउट दैट। सो वही मैं देख रही हूँ, अभी ख़त्म हो जाएगा 2 बजे, उसके बाद मैं फ्रेश होगी, खाऊंगी, पढ़ाने जाऊंगी। एंड मैंने इंट्रो नहीं दिया है, मैं ये बोल के अभी इंट्रो भी दूंगी। सो यस, सो द सीरियल इज ओवर एंड अभी मैं फ्रेश होने जाऊंगी। पीछे पूरा सब्जी है एंड आई रियली लव द सीरियल, मतलब बहुत ही अच्छा है। लड़कियों को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, मैं तो यही सोचती हूँ, मैं यही मानती हूँ। एंड लड़के जो नहीं कर सकते लड़कियाँ वो कर सकती है, ऑब्वियस जाहिर सी बात है। सो पहले लॉज नहीं थे, अभी बहुत सारे लॉज आ गए हैं। सो प्लीज़ अगर कोई राइट नहीं देता, राइट लो, मैं तो यही मानती हूँ। सो या मतलब आई होप आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई नो आई एम नॉट रॉन्ग। गर्ल्स डू हैव इक्वल राइट्स लाइक बॉयज, बट या डोंट मिस यूज़ दैट, बिकॉज मिस यूज़ करेंगे तो एक जगह की वजह से भी बदनाम हो जाएंगे। सो अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। एंड कल क्या लाया पहले वो दिखा देते हैं। ये लेके आया है कल। सो ये जब बिछाएंगे ना, मतलब बाहर मेन गेट में हम लोगों के वहाँ पे जब रखेंगे तो आप लोग को शेयर कर देंगे। एंड ये वाला लेके आए फर वाला, बहुत सुंदर है ये। ये मैं अपने उस रूम के लिए लेके आई हूँ जहाँ पे मैं शूट वूट करती हूँ, मैं वहाँ पे रखूँगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब घर में थोड़ा रिनोवेशन होगा उस घर का कलर मैं बोलूँगी पापा को कि चेंज करवा देने। एंड बहुत ही अच्छा है ये, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है एंड आई रियली लव दिस टाइप ऑफ चीज़। बहुत ही यूनिक सा कलर है एंड यस, ये दिखा दिया आप लोगों को। एंड धनतेरस के लिए पहले से ही हम लोग ने खरीद लिया है
वो आप लोगों को बाद जिस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजा होगा उस दिन आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि वो पापा को दे दिया है बिकॉज लैपटॉप मेरा चोरी हो गया था घर से, तो वो भी होने का चांसेस ना 100 में 110% है। सो पापा को दे दिया, पापा जब निकालेंगे लक्ष्मी गणेश की पूजा के दिन उस दिन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। सो आज भी हम लोगों को जाना है दिया विया लेने के लिए, सो वो भी करेंगे एंड घर का साफ सफाई तो हो गया है एंड यस आज जाएंगे तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये देखो मम्मी लेके आई है धनिया, ये अभी मम्मी इसको क्या करेगी, ये थोड़ा सा दो खाना, अच्छा कुछ भी हो वो इससे धनिया का पेड़ उगेगा। एंड मम्मी से पूछ के बताते हैं कि मम्मी लड़कों और लड़कियों को इक्वल राइट मिलना चाहिए, लड़कों और लड़कियों को इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो हम मुझे तो सब कुछ ही मिला है, मतलब भैया को जो मिला है मुझे भी वही मिला है, ऐसे बहुत लड़की को तो बहुत ही मिलना चाहिए। तो इधर घूमो इधर इधर हो। सो ऐसे बहुत सारे होता है ना कि लड़कों को अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़कियों को हिंदी मीडियम में बंगाली मीडियम पढ़ाएंगे, ऐसे बहुत सारे हम लोग ने देखे हैं। सो नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं सोचना चाहिए। हम लोग के घर पे ऐसा है ही नहीं कि बेटी को जो मिलेगा बेटे को भी वही मिले, बेटा को जो मिलेगा बेटी को भी वही मिलेगा। मम्मी पापा हमेशा ऐसे करके रखे इसलिए हम लोग का मेंटेलिटी ज़्यादा है। एंड हाँ कुछ लड़कियाँ मिस यूज़ करती है, दैट इज़ डिफरेंट, इसलिए हम लोग सभी बदनाम है, बट वो चीज़ नहीं करना चाहिए कि मम्मी पापा ट्रस्ट करें, मम्मी पापा ये करें तो उसको मिस यूज़ करें, है ना। सो हम लोग का हमेशा इक्वली ट्रीट किया गया। सो यस अगर राइट कोई नहीं देता है तो राइट लेना सीखो, जो कि सभी करते हैं। सो या दैट इज इम्पोर्टेंट ना, वरना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कौन क्या बोलता है वो सुनना, बहुत अच्छा सोच रखना है, और कौन क्या बोलता है वो छोड़ो। वो तो मैंने छोड़ ही दिया है सोचना, पहले थोड़ा बहुत सोचती थी, अब मैंने वो छोड़ ही दिया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है ना। सो कौन क्या बोल रहा है उसमें मेरा हेडेक बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे अपने करियर में फोकस करना है, वो मेरा सबसे ज़्यादा हेडेक है। सो या मम्मी से भी आप लोग से पूछवा दिया, वरना बहुत जन सोचेंगे कि ये ऐसी बोलती जाती है, इसमें फैमिली ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत जन का मेंटालिटी होता है। सो यस सुना आप लोगों ने मम्मी से, अभी मैं नहाने जाती हूँ। ये देखो बोलो मूली खा रहा है, मूली मूली खा रहा है, ये देखो कहाँ पे उसने हाथ रखा, कहाँ खा रहा है, उसका दो हाथ प्लेट के ऊपर ताकि वो स्लीप ना हो जाए, वरना वो स्लीप हो जाता है। मम्मी देखो प्लेट के ऊपर दो हाथ रख के खा रहा है, देखो तो मूली तो खा दे। अरे अरे हम ना ही ले रहे हैं, हम तुमको आगे करके दे, बाबा घोक घोक करके आ जा रहा हो जाएंगे। अरे हम कुछ नहीं कर रहे गोलू, खाओ। अरे अरे लो साग नहीं, आज लाना पड़ेगा, ये अच्छा है, सब चीज खाता है, घंटा खाता है घंटा, मूढ़ी और रोटी भात नहीं खाएगा, भात चावल नहीं खाता। अरे बाबा घोंक घोंक हम ही लेके, हमको ही घोंक घोंक। इस रूम में लाइट लग गया है ऐसे करके एंड यार बहुत सुंदर लग रहा है। एंड बाहर में मुझे जो मौज ऐप से रिसीव हुआ था वो बाहर है, बहुत खूबसूरत है, देखो बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखो। एंड इसका तो मतलब बिश क्या और बोले, ये देखो शैतानी नहीं जाता इसका। सो मैं पढ़ा के घर आ गई हूँ एंड ये लाइट बड़ा ब्लिंक कर रहा है, सो मैं लाइट चला देती हूँ। सो मैं पढ़ा के घर आ गई हूँ एंड अभी मम्मी के साथ जाएंगे झाड़ू लेते, बिकॉज झाड़ू लेना पड़ता है ना धनतेरस पे, धनतेरस में शायद मम्मी मम्मी धनतेरस में झाड़ू लेना पड़ता है, तो धनतेरस में झाड़ू लेना पड़ता है, सभी लेने जाएंगे। एंड दिवाली प्रिपरेशन स्टार्ट ही है, देखो कितना सुंदर लग रहा है सब लाइट्स, मुझे लाइट्स बहुत 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 पसंद है। सो मम्मी के साथ जाकर भी लेके आता है। सो मैं जब भी मैं कुछ बोलने जाए तभी चिल्लाने लगता है, अजीब है। सो माई गिव अवे इज लाइव, प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट, आई लिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो पार्टिसिपेट जरूर करना एंड बी अ जेन्युइन फॉलोअर एंड जेन्युइन सब्सक्राइबर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। एंड येस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हर चैनल एज वेल, शुभजिता शाह, एंड उसका यूट्यूब में नाम है ब्यूटीफाई, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन हर बायो इंस्टाग्राम में जो। एंड येस डू पार्टिसिपेट एंड बी अ जेन्युइन एंड मे द डिजर्विंग विन, सो या गो एंड पार्टिसिपेट। अभी रात को 11:30 आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला है वो बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं, बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। इसको देखो ये लाइट्स लग रहा है एंड इसको देखो क्यों लो पड़ेगा ना कि इसको देखो इसका देखो
देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो क्या कर ले। हाँ यहाँ पे सब लाइट्स लग रहा है, लाइट्स जब ऑन होगा तो आस्ते रात होएगा। आस्ते सब झूल रहा है यहाँ से लाइट। ये देखो यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, तुलसी गॉज, तुलसी गॉज। हम लोग का लाइट चल गया एंड नीचे से दिखाने से पता चलेगा, फिर भी वो दिखा देते हैं। ये रहा, आई होप इट इज विजिबल। दूर से देखो उतना पता नहीं चल रहा है, नीचे से दिखाने से पता चलेगा। कौन था अट्टा? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग छोटा क्यों रख रही हूँ, ताकि आप लोग फुल व्लॉग देख पाओ, बिकॉज बड़ा व्लॉग कोई देखना नहीं चाहता है एंड बोर हो जाता है, आई थिंक सो। सो कमेंट करके बताना आप लोग को बड़ा व्लॉग देखना पसंद है या फिर शॉर्ट शॉर्ट व्लॉग देखना पसंद है, लाइक हॉट मोमेंट्स कैप्चर करना। सो या इफ यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना एंड जाकर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। एंड आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोग को ये सोच कैसा लगा दैट राइट्स एंड ऑल, आप लोग को जो मैंने शुरू में बताया वो भी कमेंट करके बताना। एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब, पार्टिसिपेट करो गिव अवे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। एंड आई सी यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, आई लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।